नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुकांत जोशी का स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले खबर आ रही है न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के क्षेत्र से। आपको पता होगा कि 2016 में ऑलरेडी INS अरिहंत लॉन्च हो चुका है, कमीशन्ड हो चुका है इंडियन नेवी में, जो कि भारत का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड किया हुआ न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। तो अब दूसरा सबमरीन INS अरिधमन भी लॉन्च होने वाला है, नवंबर या दिसंबर में उसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। इसके बाद ये एक्सटेंसिव सी ट्रायल के लिए जाएगा 2 साल के लिए, 2019 तक इसका सी ट्रायल कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद इसको भी भारतीय सेना में, भारतीय नेवी में इसको कमीशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें अरिधमन के बारे में बात कर ली जाए तो INS अरिहंत से ये बड़ा होगा और इसमें बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो मिसाइल होगी वो K4 मिसाइल, इसमें 8 लग सकेंगी और K15 मिसाइल, इसमें 24 लग पाएंगी। इसकी जो स्पीड होगी वो 24 नॉट की होगी। इससे पहले जो INS अरिहंत बनाया गया था वो ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह बनाया गया था, इसलिए अरिधमन INS अरिहंत से बड़ा होगा। और यह जो पूरे क्लास का अरिहंत क्लास का सबमरीन है वो मिलता जुलता है रसिया के प्रोजेक्ट 971 अकुलो आई क्लास के जो सबमरीन है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसे भारत ने लीज पर भी लिया हुआ था। तो इससे मिलता जुलता डिजाइन अरिहंत क्लास के सबमरीन का है, जिस सीरीज का दूसरा सबमरीन INS अरिधमन अब लॉन्च होने वाला है नवंबर या दिसंबर में। दोस्तों हमारी अगली खबर तेजस की तरफ से आ रही है। 2015 में जब इसको इंडियन एयरफोर्स ने चुना था कि अब ये हमारी वायुसेना में शामिल हो सकता है, तब उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था HAL को 40 तेजस का, जो कि आज तक पूरा नहीं हो पाया है 2 सालों में। अभी तक केवल और केवल 5 तेजस डिलीवर हो पाए हैं और छठा कुछ दिनों में डिलीवर होने वाला, और यह कहा जा रहा है कि मार्च 2018 तक 11 तेजस इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाएंगे। तो टाइम है कम HAL के पास और ढेर सारे तेजस अभी भी इंडियन एयरफोर्स को देना है, इसलिए HAL अपना 70% तेजस का काम प्राइवेटाइज करने वाला है और इसके लिए उसने 84 फर्म्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया है, जो कि तेजस के लिए 70% काम करके HAL को दे देंगे और उसके बाद HAL उसकी असेंबली अपने वहां कर लेगा। यहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम मैं बता देता हूँ और उनके द्वारा क्या क्या काम किया जाएगा तेजस के लिए वह भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु की एक कंपनी है, उसका फ्रंट फ्यूजलेस उसको बनाना होगा तेजस का। VEM टेक्नोलॉजी, जो की हैदराबाद की कंपनी है, उसको सेंटर फ्यूजलेस बनाना होगा। अल्फा टोकोल, ये भी बेंगलुरु कंपनी है, इसको रियर फ्यूजलेस बनाना होगा। और L&T कोयम्बटूर, इसको विंग बनाने का काम दिया गया है। तो इसी तरह से 84 कंपनियां मिलजुल कर काम करेंगे और HAL का 70% काम कम कर देंगी तेजस को बनाने वाला। इससे पहले तेजस ने यह भी डिसाइड कर लिया है कि 8 तेजस वो साल में निकालते थे, तो अब वो 16 तेजस निकालने का प्रयास करेंगे। उसके लिए प्रोडक्शन लाइन बनाएंगे, जो कि 2019 तक कंप्लीट होने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस इंडियन एयरफोर्स को कब तक मिल पाएगा। अभी तो 2019 तक प्रोडक्शन लाइन बनेगी, उसके बाद मुझे लगता है कि जो 40 डिलीवरी की बात है ये 2022 से पहले कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। दोस्तों अगली खबर हमारी चाबहार पोर्ट की तरफ से है। आपने कई न्यूज़ों में सुन लिया होगा कि भारत अब कार्गो भेज रहा है गेहूं के अफगानिस्तान को। तो मैं पूरा माजरा आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। अफगानिस्तान और इंडिया, इन दोनों के बीच में व्यापार होता था। अफगानिस्तान को यदि इंडिया के साथ व्यापार करना था तो वो पाकिस्तान से होते हुए, लैंड से होते हुए, रोड से होते हुए भारत की अटारी बाघा बॉर्डर पर आता था और वहां से अफगानिस्तान से पूरा सामान आता था, और सेम चीज भारत के द्वारा भी अफगानिस्तान को किया जाता था। पर बीच में पाकिस्तान ने अड़ंगे लगाना स्टार्ट कर दिए। वो अफगानिस्तान की चीजें तो भारत आने देता था, पर भारत की चीजें अफगानिस्तान नहीं जाने देता था। तो यह चीज बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी और भारत ने यह समझ लिया था कि अब बीच में पाकिस्तान इस तरह से दिक्कत कर सकता है। तो उसने चाबहार पोर्ट बनाने का फैसला किया ईरान में, और मतलब ईरान के साथ कोलैबोरेट किया कि हम यहाँ पर चाबहार पोर्ट बनाएंगे और ईरान को भी चीजें देंगे और ईरान के थ्रू अफगानिस्तान को रोड के माध्यम से चीजें पहुंच जाएंगी। तो इससे भारत का यह फायदा था कि अफगानिस्तान तक वो अपना व्यापार कर सकेगा, ईरान को भी अपना व्यापार में शामिल कर पाएगा और सेंट्रल एशिया में और यूरेशिया में केवल और केवल अफगानिस्तान के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। तब यह चाबहार पोर्ट डेवलप किया गया और इसकी पहली शुरुआत जो की गई है बहुत अच्छे काम से की गई है, अफगानिस्तान को गेहूं भेजकर की गई है। तो पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब मिल गया है कि अब हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे से व्यापार कर पाएंगे और अफगानिस्तान भी आसानी से समंद्र के रास्ते हमसे व्यापार कर पाएगा। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके, वो इससे लगभग 72 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो बहुत क्लोज है ये दोनों पोर्ट और
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ये दोनों पोर्ट बनाए गए हैं एक दूसरे को, पाकिस्तान और भारत के द्वारा एक दूसरे को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, एक दूसरे के सहायता के बिना व्यापार करने की एक कोशिश है दोनों के ही द्वारा। तो तीन खबर के बाद एक बोनस खबर की बात कर लेते हैं। इसराइल के मेजर जनरल याकूब ब्राक अब जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं और वो इंडियन डेलीगेट से मिलेंगे, इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल से मिलेंगे। तो कश्मीर मुद्दे पे यहां पर बात होने वाली है, तो क्या किस प्रकार की कश्मीर मुद्दे पे बात हो सकती है, जो बॉर्डर सील करने वाली बात है उस चीज को भी देखा जा सकता है इस मीटिंग में, और किस प्रकार से शायद सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से करनी चाहिए, क्या चीज, मुझे लगता है कि पूरी टेक्टिकल यहाँ पर डिस्कशन होगा कि किस प्रकार से हम वहां पर आतंकवादी कैंप जो है बॉर्डर पार उसको खत्म कर सकते हैं। पूरी चीज पूरे ब्यौरे पे यहाँ पर बात होने वाली है। बहुत ही उम्मीदें लगाई गई हैं इस मीटिंग से, क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइल लड़ने और डिफेंस के मामले में कितना आगे है, तो उससे भारत बहुत कुछ सीखना चाह रहा है और उसी की टैक्टिक्स मेरे हिसाब से कश्मीर में कारगर होने वाली है, क्योंकि उनको इस तरह के मामलों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आतंकवादियों से लड़ने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। तो आज किस वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।